कल पतिदेव बोले कि जितना टाइम तू इंस्टाग्राम पर खराब करती है उतना ध्यान अगर तूने बच्चों पे दिया होता तो आज बच्चे कामयाब हो जाते। फिर मैंने भी सोचा यार बात तो सही कह रहे हैं। फिर मैं इंस्टाग्राम डिलीट ही करने वाली थी कि मुझे याद आया अगर इंस्टाग्राम न चलाने से मेरे बच्चे कामयाब हो जाते तो आज मैं भी तो कामयाब होती क्योंकि मेरी मम्मी तो इंस्टाग्राम नहीं चलाती है। हे वरुण, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं फिर से पढ़ाई शुरू कर लूँ। फिर से पढ़ाई? हाँ। अरे हो तो गई पढ़ाई, अब जितनी पढ़ाई करूंगी। अरे यार मेरा बड़ा मन है। अरे अब अपनी उम्र देख ले, पढ़ाई करेगी। ले मेरी उम्र ही क्या है अभी, तुम भी ना, मैं मेरे को अपने ऊपर पूरा भरोसा है, मैं कर लूंगी। और मुझे भी तेरे ऊपर पूरा भरोसा है जो तू कर लेगी। क्या पढ़ाई करनी है तेरे को? LLB। फुल फॉर्म पता है? मुझे सब पता है। क्या होता है? सुनो तो सही, मैं कोर्स कर लूंगी ना तो सबसे पहला केस तुम्हारे ऊपर ठोकूंगी मुझसे गलत क्वेश्चन पूछने का। इतने टेक्निकल क्वेश्चन होते हैं ना LLB में, सीधे सीधे सवालों के जवाब दिए नहीं जाते हैं। अच्छा पूछ के देखो। एक इंसान की विधवा है और वो क्या अपनी विधवा की छोटी बहन से शादी कर सकता है? क्या वो लीगल है? और अगर शादी कर सकता है तो उसकी प्रॉपर्टी किसके नाम होगी? हाँ बिल्कुल लीगल है, अगर वो क्या कहते हैं अपनी विधवा की बहन से शादी कर सकता है, छोटी बहन से। हाँ छोटी बहन से शादी कर सकता है, मान लो घर में छोटे छोटे बच्चे हैं उनको देख रेख कर लेगी वो, उसके घर में माता पिता हैं, बुजुर्ग हैं बेचारे, उनकी सेवा कर लेगी, और उसके बाद वो चाहे तो अपनी प्रॉपर्टी अपने पति के नाम भी कर सकती है। तू वकील की नहीं जज की तैयारी कर, इतना दिमाग है तेरे पास, है ना? अरे एक इंसान अपनी विधवा की बहन से कैसे शादी करेगा? क्यों? अगर उसकी विधवा बीवी है तो इसका मतलब खुद तो वो मर गया ना, तभी तो वो विधवा हुई है। वकील बनूंगी भागे से। जब कहीं लड़की है प्यार है जय, तो घर वाले पूछेंगे कौन है वो गधा, और जब लड़का है प्यार है जय, तो वहां के घर वाले पूछेंगे अबे गधा कौन है वो लड़की। प्यार कोई भी करे, गधा लड़के ठहरे। जब हमारी नंद को घर आना होता है तो कोई भी बीमारी हमारी सास को छू नहीं सकती है, 10 कदम दूर से ही भाग जाती है उनको देख के। बिल्कुल हमारी सास मिल्खा सिंह की तरह इतनी फुर्ती में पूरे घर में भागती घूमती है कि पता नहीं क्या करके मानेंगी। लेकिन जैसे ही हम मायके जाने की बात करेंगे, जैसे ही परमिशन लेने जाएंगे कि मम्मी जी मायके चले जाए, वैसे ही एकदम करकट बुढ़िया की तरह बैठी रहेंगी। लेकिन जैसे ही हमारे मुंह से निकलेगा कि हम मायके चले जाए, वैसे ही अचानक से पता नहीं क्या होता उनको चक्कर आने लगते हैं, उनका जी घबराने लगता है, उनको बुखार चढ़ जाता है, खांसी आने लगती है, गला खराब हो जाता है, पूरे मतलब कोरोना वायरस फैल जाता है उनके पूरे शरीर में। ऐसा मालूम पड़ेगा कि सारी बीमारियों ने हमारी सास के अकेले शरीर को घेर रखा है। और जैसे हम अपनी छाती में पत्थर रख के अपना जाना कैंसिल कर देते हैं, मायके वालों को फोन करके मना कर देते हैं, और फिर तो मानो ऐसा लगता है जैसे हमारी सास ने संजीवनी बूटी खा ली हो, एकदम फटाक से ठीक हो जाएगी, कोई बीमारी नहीं, 16 बरस की जवान लड़की बन जाती है, इतनी फुर्ती उनके शरीर में आ जाती है, तुरंत घंटी बजा के हाँ बेटा आ जाओ, प्लान सक्सेसफुल हुआ, तुम्हारी भाभी का मायके जाना कैंसिल। किस्मत ही खराब है, ये गर्मी की छुट्टियां ही ना, अगर हम बहुओं को गर्मी की छुट्टी में नहीं जाना होता है तो भगवान करे ये गर्मी की छुट्टियां ही ना आए। दुनिया में ऐसी कौन सी परीक्षा होती है जो चाहे जितनी वेल एजुकेटेड लड़की हो, चाहे जितनी टॉपर लड़की हो, चाहे जितनी पढ़ी लिखी लड़की हो, चाहे जितनी होशियार लड़की हो, लेकिन उस परीक्षा में या तो वो थर्ड डिवीजन आती है, या बेचारी फेल हो जाती है, या फिर प्रमोट करके पास की जाती है। मतलब उस परीक्षा में फर्स्ट और सेकंड आने का तो कोई चांस ही नहीं है। बताओ कौन सी परीक्षा है? अरे भाई ससुराल, ससुराल की परीक्षा ऐसी होती है जहाँ पे कोई भी लड़की न फर्स्ट आती है न सेकंड आती है, बेचारी फेल हो जाती है, थर्ड डिवीजन आती है, या फिर प्रमोट करके पास की जाती है, क्योंकि वहाँ फर्स्ट तो सिर्फ सास आती है और सेकंड सास का बेटा आता है या उनकी बेटी आती है, बहू तो बेचारी हमेशा फेलियर ही नजर आती है। एक गाना चला है कि मिथिला का कड़कड़ खिला जमाई राजा राम मिला। आज अपनी मम्मी को फोन किया, मम्मी तुम अपना दामाद कहाँ से ढूंढी हो भैया, कि शकुनी और मंथरा का गुड़ इनके में कूट कूट के भरा हुआ है, राम का तो एको गुड़ नहीं है, मम्मी कहाँ से ढूंढी हो ऐसा दामाद।